दोस्तों पपीता एक ऐसा फल है जो कि आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके घर के सामने कुछ खाली जमीन है तो आप यहाँ पर भी पपीते का पेड़ लगा सकते हैं। ये एक ऐसा फल है जिसे कच्चा होने पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है और पक्का होने पर भी इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों ना सिर्फ इसके फल बल्कि इसके जड़ और पत्तियों को भी इस्तेमाल में लाया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पपीते खा करके हम कौन कौन सी बीमारियों को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो पपीता हर एक व्यक्ति को खाना चाहिए क्योंकि इसमें लगभग सारे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे सारे बीमारियों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। दोस्तों चलिए बारी बारी से जानते हैं कुछ इसके फायदे के बारे में जो कि बेहद ही असरदार होगा। दोस्तों इसका छिलका बेहद ही मुलायम होता है और वो बिल्कुल आसानी से उतर जाता है। इसे काटने पर इसके भीतर कई छोटे छोटे काले रंग के बीज पाए जाते हैं जो कि आप बीज को जमीन में गाड़ करके उसे बिल्कुल आसानी से पेड़ लगा सकते हैं। दोस्तों इसके कुछ स्वास्थ्य फायदे हैं, चलिए अब बारी बारी से जानते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला फायदा होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कमजोर है तो आपको कोई भी बीमारी हो सकता है। इसके लिए पपीता आपके शरीर में आवश्यक विटामिन सी की मांग को पूरा करता है। ऐसे में अगर आप हर रोज पपीता का इस्तेमाल करते हैं तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल बढ़ जाएगा। इसके बाद से पाचन तंत्र के कंट्रोल करने में, यानी कि पपीते के सेवन से आपका पाचन तंत्र भी बिल्कुल मजबूत हो जाता है। इसमें डाइट्री फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे पेट को बिल्कुल अच्छी तरह से मेंटेन रखते हैं और इसमें साथ ही साथ पाचक एंजाइम्स भी होते हैं जो कि हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। अगला है पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में। दोस्तों महिलाओं में देखा जाता है कि कई बार मासिक धर्म होने पर बहुत ही तेज दर्द होता है और कभी कभी इसका साइकिल इरेगुलर हो जाता है, तो वैसे महिलाओं को रोजाना पपीते का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके बाद से आंखों की रोशनी को बढ़ाने में, अगर आपकी आंखों की रोशनी बिल्कुल कमजोर है, आपको कुछ भी दिखता नहीं है या आपकी आंखों से पानी आता है तो आप रोजाना पपीते का इस्तेमाल करें। इसके बाद से ज्वाइंडिस की, दोस्तों जिनका आंख पीला है वो लोग ज्वाइंडिस के लगभग शिकार होते ही है, तो वैसे लोगों के लिए पपीते का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके बाद से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, पपीते में हाई मात्रा में फाइबर्स होता है और साथ ही साथ इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर होता है। इसी गुण के वजह से हमारे शरीर के अंदर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। तो अगर आप रोजाना इस पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने शरीर के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बिल्कुल कंट्रोल कर सकेंगे। दोस्तों इसके बाद से इसके बीज के फायदे। दोस्तों इसका बीज अगर आप पीस कर पीते हैं तो आप अपने बिस्तर पर बिल्कुल धमाल मचा सकते हैं, आपको अंदरूनी एक ताकत मिलेगा। इसके बाद से इसके जड़ के फायदे। दोस्तों इसका जो जड़ है वो पथरी को खत्म करने का काम करता है। अगर आप पथरी की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान है तो आप इसके जड़ को निकाल कर और उसके बाद से पानी से धोकर पीस कर और उसको अगर आप नींबू के जूस मिलाकर पीते हैं तो आप अपने पथरी की समस्या से बिल्कुल आसानी से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों यही थी कुछ आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।